बहुत लोगों ने पूछा है कि आपकी YouTube की अर्निंग कितनी है। सेवंथ क्लास से मैं यही सोचता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और वो काजल को भी पसंद है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो आज की हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के जो हमारे इंटरव्यू सेशन है वो जुनू की टेक के साथ है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच आलिम भाई। तो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि आपने 900 के सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हो। थैंक यू सो मच। 1 मिलियन भी आप करा दोगे जैसे आपका प्यार। बिल्कुल बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन 1 मिलियन के लिए इन एडवांस। और इस अचीवमेंट्स को और आप अपनी कहां तक देखना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि बस और लोग हमारे से जुड़ते रहे। देखो मुझे नंबर से बिल्कुल नहीं प्यार है, लोग हमारे से जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मतलब सीखने को मिलता है आपके वीडियो से, तो मतलब उसके पॉजिटिव वहां पे कमेंट्स भी आते हैं। बिल्कुल। किस तरह की कमेंट्स? मतलब कमेंट्स जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आते हैं, अगर हम कंटेंट अच्छा बनाते हैं तो निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। ओके, तो आपका यूट्यूब का सफर यहाँ तक का अब तक का कैसा रहा? अभी तक का सफर बहुत अच्छा चल रहा है, मैं यही बोलूंगा। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आई। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसा आपने 3 से 4 साल शायद आपको लगातार काम करते हुए हो गए, और कभी मतलब आपको लगा जब स्टार्टिंग में आप वीडियो बनाते थे, अरे मैं नहीं बना रहा ये सब ऐसा कुछ? अरे बिल्कुल लगा भाई वीडियो हफ्ते में एक वीडियो बना दिया, कभी 2 हफ्ते में एक वीडियो बना दिया। इसी तरीके से जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता था तो छोड़ दिया था यूट्यूब। तो मतलब कभी क्विट भी किया आपने अपना चैनल? मैं 2 से 3 बार क्विट कर दिया था अपना चैनल। अच्छा, उसके बाद फिर किस चीज किसको मोटिवेशन कहां से मिला आपको दोबारा? मोटिवेशन मेरे को खुद से मिला। मैं छोड़ देता था, उसके बाद मैं ये सोचता था कि यार अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं कब करूंगा। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाला एग्जैक्टली लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मतलब फैमिली की साइड से सपोर्ट नहीं मिलता था, तो इसलिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग में मतलब फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं मिला, फिर सपोर्ट कब मिला आपको? सपोर्ट मेरे को मिला, मैं आपको बता देता हूँ। मैं पढ़ाई के लिए गया था, मतलब बाहर कोई मेरे को डिप्लोमा वगैरह करना था, तो वहां पे शांति से मैंने वीडियो बनाए। ओके, तो वहां से मेरा चैनल ग्रो हुआ। बहुत बढ़िया। तो आपका आपके फैंस की तरफ से ये सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब वो बोलते हैं कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते और कॉल भी अटेंड नहीं करते। देखो बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सभी को रिप्लाई करूँ। okay. वीडियो पोस्ट करने के बाद मेरे को दूसरी वीडियो की टेंशन रहती है कि अब आगे क्या कंटेंट देना है, तो जितने भी कमेंट्स स्टार्टिंग में आते हैं मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स मैंने आपके चैनल से पढ़े हैं, आपकी वीडियोस पे, वो ये पूछते हैं हमें टॉपिक ही नहीं मिलते, टॉपिक नहीं मिलते। आप कहां से लाते हैं इतने सारे टॉपिक्स? देखो भाई मैं आपको बिल्कुल सच बात बताता हूँ, टॉपिक मिलते ही नहीं है। आपको अपना माइंड फालतू के कामों से हटा लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, लगे रहो उसी कैटेगरी के चैनल्स को देखते रहो, टॉपिक्स मिलते रहेंगे। और कुछ ये भी बोलते हैं हमारे 50 से 60 व्यूज आते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे, मतलब क्या उनको करना चाहिए? मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे तो 3 से 4 व्यूज आते थे और उसमें 1-2 व्यूज मेरा भी होता था। अच्छा, यस। मतलब जब आपका स्टार्टिंग का, एक्चुअली होता क्या था कि जब मेरे को व्यूज नहीं मिलते थे, लिंक कॉपी किया, लिख दिया, उसके नीचे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया लोगों के पास कि भाई देख लो मेरा वीडियो, कोई पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अभी के टाइम में व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करना क्या सही है? देखो पहले की बात करूं तो मेरे को भी नहीं पता था, अगर आप व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करते हो तो आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक बढ़ जाता है, उससे यूट्यूब हमारी वीडियो को बूस्ट नहीं करता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जिस कैटेगरी का चैनल है और आप उन्हीं लोगों के पास सेंड करें जो लोग देखना पसंद करें आपकी वीडियो को। अगर आप किसी के पास ऐसे ही भेज दोगे वो नहीं देखेगा तो क्या फायदा है। चलो ये तो अच्छी बात है। तो आप भी मतलब जो भी इन्होंने बताया आप उस चीज को फॉलो करो। अच्छा, एक फैंस ने मुझसे कॉल करके स्पेशली बोला था कि आप ये सवाल उनसे जरूर पूछना। मतलब कुछ आपका जब आप बचपन में थे कुछ ऐसा मोमेंट्स याद है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हो? हमेशा याद रखना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि ऐसा कोई मोमेंट है, लेकिन एक मोमेंट है जब मैं यहाँ से अपने घर से पढ़ाई के लिए गया था, तो वहां पे मेरे जब मैं यहाँ से गया तो 1700 सब्सक्राइबर्स थे अराउंड 2000। ओके, तो वहां से मैं वापस आ रहा था, मेरे अराउंड 90,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे मिला ट्रेन में। अरे बहुत बढ़िया, और मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिली थी, वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट है। और जो मेरा दिल्ली इंडिया गेट पे मीटअप हुआ था उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहता। यस, और कोई एक ऐसा मोमेंट बताओ अपने चाइल्डहुड का जब आप बचपन में थे, जब स्कूलिंग थी आपकी, जिसको आप बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहते, कोई बताओ। और उसको याद क्यों नहीं रखना चाहते वो भी बताना मुझे। स्कूल में मेरी बेइज्जती बहुत ज्यादा हुई है यूट्यूब को लेकर, और ये मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा। ओके ओके ओके, तो चलिए आपकी हॉबीज के बारे में जान लेते हैं, आप अपनी हॉबीज के बारे में मुझे बताइए। देखो हॉबीज तो बहुत ज्यादा है, कभी मेरे माइंड में कुछ आता रहता है, कभी कुछ मेरे माइंड में आता रहता है, कभी मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब को फुल टाइम कर देता हूँ और टेक चैनल ही चलाता रहूंगा। लेकिन जब टेक से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मुझे रैपिंग करना है, अब तो मुझे सॉन्ग्स वाली कैटेगरी में जाना है, एल्बम सॉन्ग्स निकालने हैं। मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है, मैं यही सोचता रहता हूँ कि आखिर मुझे करना क्या है,
ट्रस्ट में मैंने अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं किया, मैं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। मतलब आपकी हॉबीज रैपिंग वगैरह में भी हैं? रैपिंग में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में कर सकता हूँ। ओके, अच्छा अगर जो टेक्निकल की बात की जाए, आप मतलब सबसे ज्यादा किन को देखते हो और मतलब क्या उनसे आइडियाज आप लेते हो? ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं सभी को देखता हूँ। मेरे सामने कोई 50 सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर भी आ रहा है, ट्रस्ट में मैं उसकी वीडियो को भी देख लेता हूँ। मतलब मैं सभी के वीडियोस देखता हूँ, जरूरी नहीं है कि किसी एक बंदे को मैं पर्टिकुलरली उसको ही देखता रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। मैं मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं कि भाई प्लीज मेरा वीडियो देख लो, मेरे को टाइम रहता है तो मैं क्लिक करके उनकी वीडियो देख लेता हूँ। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी ये क्वेश्चन आपके फैंस की तरफ से है, उन्होंने पूछा था कि उनकी गर्लफ्रेंड का रियल नेम से पूछ कर जरूर बता देना अगर जो आप उनका इंटरव्यू लोगे तो। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नेम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन कुछ को नहीं पता उनके। मेरे पास फिर मैसेज आए थे, कॉल भी आए थे, काजल। ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा, ये मतलब बाद में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने Q&A वीडियोस में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे अपना फेवरेट कलर बताओ। रेड, ब्लैक। क्यों रेड ही क्यों ऐसा? रेड मेरे को अट्रैक्टिव सा लगता है, लेकिन ब्लैक मेरा फेवरेट है। ओके। और वो काजल को भी पसंद है। अभी थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं जो मतलब ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो, जो अभी न्यू क्रिएटर्स हैं वो जो स्टार्टअप कर रहे हैं, आपकी वीडियोस को लोग देख देख के बहुत सारा स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मतलब आप उनको क्या कहना चाहोगे? जैसा कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं वो कि 10 से 15 वीडियो डाली और मतलब अपनी हो रहा या अपनी मतलब गिव अप ही कर देते हैं। यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा आंसर है, आप किसी भी काम को कर रहे हो तो आप उसको स्टार्ट क्यों कर रहे हो? आपने YouTube स्टार्ट कर दिया, आपके माइंड में क्या था? आपने किसको देखकर स्टार्ट किया? आपको किससे आगे निकलना है? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके माइंड में डिमोटिवेट नेम का कोई वर्ड होना ही ना चाहिए। गिव तो आपको करना ही नहीं है। जब आपने स्टार्ट कर दिया तो भाई इसको कंप्लीट भी करो, अचीव भी करो। तो डिमोटिवेट होने से क्या होता है कि आप यूट्यूब को छोड़ दोगे, कुछ टाइम के बाद आप जिससे इंस्पायर हुए हो उसको देखोगे, अरे वो तो इतना आगे बढ़ गया, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करोगे, तो जो आपने छोड़ दिया उसका क्या, आपका टाइम वेस्ट हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर जो भी काम जो भी चैनल अपना स्टार्ट करना चाह रहा है, सबसे पहले तो देखो उसके अंदर इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, या मतलब दूसरों को देख देख के लगा हुआ है। मतलब अगर जो ऐसा करेंगे तो शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है? ये क्वेश्चन आपने मेरे से बहुत अच्छा किया है और ये सभी को प्रॉब्लम्स आती है कि उनके माइंड में ये रहता है कि किस कैटेगरी का चैनल स्टार्ट करें। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जिस भी कैटेगरी का चैनल बनाते हो तो आपको क्या करना है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें बनाओ। अगर आपने किसी का चैनल देख लिया और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपने देख लिया व्यूज अच्छे मिल रहे हैं, तो आप भी वही चैनल स्टार्ट कर दोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको उस कैटेगरी में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने ओनली 10th किया, 11th मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन और वो मैंने झारखंड से किया है, जहां पे जाके मेरा चैनल ग्रो हुआ था। ओके ओके, तो आपने मतलब जो आपका जो डिप्लोमा हो तो 10th के बेस पर हुआ था। यस। किस चीज का बताया आपने? इंस्ट्रूमेंटेशन। थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन करेंगे। देखो मेरे पापा सऊदी अरब में काम करते थे, तो वो ये इलेक्ट्रिकल के कुछ पैनल वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें कनेक्शन वगैरह करना पड़ता है। ट्रस्ट में मैं सब कुछ खुल चुका हूँ यूट्यूब की वजह से, क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस अपने कैरियर को लेकर है। यूट्यूब को मैं बिल्कुल सीरियस लेकर चलता हूँ, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि मैं कहीं मिसलीड ना कर दूं, अपनी ऑडियंस को कहीं गुमराह ना कर दूं, तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस लेकर चलता हूँ। तो इसलिए मेरा सबका सब फोकस यूट्यूब में। और अगर डिप्लोमा की बात की जाए तो मेरे माइंड में यही था कि भाई मैं डिप्लोमा कर लूंगा, जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरे को अभी अगर कोई इंटरव्यू ले ले मेरे से, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैं नहीं कर पाऊंगा उसका आंसर। ओके ओके ओके, मतलब किसको इंस्पायर होकर के आपने चैनल बनाया था? मैं टेक्निकल दोस्त को देखकर अपना चैनल क्रिएट किया था, और मैं स्टार्टिंग में भाई का कॉपी करना शुरू कर दिया, तो कमेंट्स आने शुरू हुए टेक्निकल दोस्त का कॉपी कर रहे हैं, भाई मेरे मोहल्ले के बोल रहे हैं कि तू तो उसका कॉपी करता है यार, बहुत बुरे बुरे कमेंट्स करते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने क्विट कर दिया, बिकॉज मेरे से यूट्यूब नहीं हो रहा था, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया क्विट करके। अगर मैं लगा रहता तो यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाता। तो कुछ टाइम के बाद ग्रो हो गया जब मैंने अपना अपने स्टाइल में बनाना शुरू किया, हाथ हिला हिला के। ओके 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 ओके। अच्छा, जब आप टेक्निकल यूट्यूब चैनल अपना नहीं खोला था, उससे पहले आप क्या करते थे और क्या मतलब माइंड में था तुम्हारे कि हाँ मेरे को अब इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या फिर कुछ और बनना था, एकदम आप टेक्निकल में आ गए, उससे पहले मतलब आपकी क्या सोच थी? 7th क्लास से मैं यही सोचता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आधार कार्ड जब बन रहे थे बहुत ज्यादा क्रेज था, तो मैं आधार कार्ड का एक एग्जाम देने चला गया। तो मैंने आधार कार्ड भी बनाया, मेरी एज जब 18 भी नहीं थी। अरे अच्छा। ओके। और मैंने आधार कार्ड का जो एग्जाम होता है वो पास कर लिया था, वेबकैम के सामने बैठ के क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, और आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं आधार कार्ड्स बना सकता हूँ।
और मैंने एक एक दिन में 1,000 रुपये भी अर्न किए हैं और घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उस टाइम। मैंने फर्स्ट फोन भी इसी तरीके से कभी पेटीएम से कमा लिया, कभी कहीं से कमा लिया, इसी तरीके से लिया था। अच्छा अच्छा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन okay. थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। okay. बहुत लोगों ने पूछा है कि आपकी YouTube की अर्निंग कितनी है। YouTube की अर्निंग की बात की जाए तो YouTube से इतना हो जाता है कि मेरे घर वाले खुश रहते हैं, फिर भी लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई आखिर कितना कमा लेते हो। भाई मैं आपको बताऊंगा, अभी के टाइम में जिस हिसाब से चैनल ग्रो कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं एक iPhone 12 Pro Max ले सकता हूँ इजिली YouTube इनकम से। और जरूरी नहीं है कि हर महीने ले सकता हूँ, कभी कभी iPhone 12 जितना भी नहीं होता है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कितने व्यूज हमारी वीडियो पा रहे हैं, और ये सब RPM के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ओके ओके, अच्छा वीडियोस की बात आपने करी तो मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे, वीडियोस कितनी मतलब रेगुलर हमें डालने चाहिए डेली? हाँ, जरूरी नहीं है कि आप क्वांटिटी इंक्रीज करो। अगर आपके पास कम टाइम है, हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करो, लेकिन आपको वो वीडियो ऐसा अपलोड करना है कि लोग उसको देखते रहे। आपने एक हफ्ते में वीडियो बनाया, कम से कम वो इंटरेस्टिंग तो हो। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो में एक हफ्ता लगा दिया फिर भी आपका वीडियो नहीं चला, तो इसका मतलब आपने पूरे एफर्ट्स नहीं डाले। तो जैसा कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक महीना हो जाता है, 6-6 महीने हो जाते हैं उनको कंटेंट डालते हुए, उनके अच्छा मतलब थंबनेल भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन मतलब वो प्रॉपर उनकी साइड से वो प्रॉपर रहता है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते, उनके चैनल वहीं पे वहीं के वहीं हटके रहते हैं, उनका क्या कारण हो सकता है? ऐसा सभी के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है। स्टार्टिंग में सभी जीरो से स्टार्ट करते हैं। 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, छोड़ दिया था, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया। 2019 से मैंने रेगुलर किया और मैंने ये नोटिस किया रेगुलर करने के बाद जो ग्रोथ मिली है वो मेरे को पता चला कि हाँ भाई सब कुछ रेगुलर करने पे ही है। लेकिन अब ये नहीं कि आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहो तो चैनल ग्रो जाएगा, नो, आपको कुछ यूनिक भी तो करना है। पहले मैं किसी और का कॉपी करता था, लोग कमेंट्स करते थे, अपने एरिया वाले लोग भी बोलते थे कि भाई तू तो कॉपी कर रहा है। लेकिन जब मेरे को समझ आता गया कि हाँ भाई यार लोग तो कमेंट भी करते हैं, तो फिर मैंने हाथ हिलाने शुरू किए, मतलब अपने स्टाइल में वीडियोस बनाना शुरू किया। अच्छा, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर थे, 10,000 सब्सक्राइबर थे, 20, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, क्या आपके पास प्रेशर भी बढ़ता गया ऐसा ही कि काम करते देना है? बिल्कुल, किस तरह की मतलब, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका काम कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, आपके पास जो ऑडियंस आई है उनको एक्टिव कैसे रखना है, क्या कंटेंट देना है, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना है। अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो आपको सामने वाले बंदे को एंटरटेन कैसे करना है, आपको ये सब सोचना पड़ता है। जब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है बस एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए फिर तो मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे हजारों लाखों चैनल्स मोनेटाइज हो जाते हैं, फिर व्यूज आते हैं 40-50, फिर वो अर्निंग नहीं कर पाते। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए आपको एक्टिव व्यूअर्स बनाना है। जब आपके एक्टिव व्यूअर्स बन जाएंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे यूट्यूब से। ओके ओके ओके, अभी कुछ न्यू यूट्यूबर के बारे में मेरे को बताओ जो अभी बिल्कुल ही स्टार्टअप ही है, जिनका जिन्होंने आज ही मतलब विद इन 1 वीक के अंदर अंदर उन्होंने आइडियाज बनाए हैं। अगर स्टार्टअप कर दिया तो अपना टाइम वेस्ट ना करो, आप किसी और के नेम से चैनल मत बनाओ, किसी और के वीडियोस अपलोड मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको यूट्यूब करना ही है, आप सीरियस हो यूट्यूब को लेकर, पैसा कमाना ही है, तो आप खुद का टैलेंट शो करो। लेकिन अगर आप किसी और के नेम से चैनल क्रिएट कर रहे हो, किसी और के वीडियोस अपलोड कर रहे हो, आखिर मुझे एक जवाब दे दो कि कब तक करोगे? एक ना एक दिन आपको स्ट्राइक पड़ जाएगा, आपका चैनल चला ही जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है आपके चैनल पे टिकटॉक जब था आपके लाखों में व्यूज आते थे, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद वो बहुत डाउन हो। हाँ, उस टाइम में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, मेरे व्यूज 1,000, 2,000, 4,000, जहां पे लाखों में जाते थे अब 7,000, 8,000, 10,000 मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना रेगुलर रहा जाए और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाए। मैंने यहाँ पे भी कोशिश की रेगुलर रहने की, तो अब मेरे को व्यूज सही मिल रहे हैं, तो वापस से मेरे को लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया टिकटॉक जाने के बाद, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स डेड हो गए सीरियसली। तो इंस्टाग्राम से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? जैसा इंस्टाग्राम जैसे रील्स पे वीडियोस बना रहे हैं लोग, वैसे टिकटॉक की सभी ऑडियंस वहां पे जा रही है, तो अच्छा रिस्पॉन्स मेरी इंस्टाग्राम रील्स वाली वीडियोस पे मिल रहा है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कुछ ये कमेंट्स में मैंने सवाल उठाया है आपकी, उसमें ये लिखा हुआ था कि क्या हम शॉर्ट्स चैनल्स पर हम लॉन्ग वीडियो डाल सकते हैं क्या? नो, आप अपना शॉर्ट्स का अलग चैनल क्रिएट कर लो, लॉन्ग आप जो अपलोड कर रहे हो वो करते रहो। आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके तो आपको सभी के जवाब मिल गए होंगे, और अगर जो आपका कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो मुझे कमेंट्स जरूर करना, और मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं फिर दोबारा से इंटरव्यू लूंगा और आपके वो भी सवाल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये इंटरव्यू सेशन हमारा अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज इस इंटरव्यू को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।